मुझे ना आप दोनों से एक बात की परमिशन लेनी थी yes. मैं डांस सिखाती हूँ ना शादी और फंक्शंस में दो घंटे में सिखा के वापस आ जाऊँगी तेरे पापा जी के घर में बेटियाँ दूजे घर में जाके शादी ब्याह में नाचती होंगी हमारे घर की बहू बेटियाँ दूजे घर में जाके नाचती नहीं है आज नहीं जाऊँगी लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी डांस करना और सिखाना इसमें कोई बुराई नहीं होती है मेघा बरसिंग सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप और हम देखने वाले कि भाई इस बार बहुत जल्द मनोज की सच्चाई हमारी मेघा के सामने आने वाली है जी एपिसोड में अब तक हमने देखा था कि भाई यहाँ पर मेघा और मनोज की शादी हो चुकी है और इस बार मनोज जो है वो मेघा को छोड़कर अकेले ही जॉर्जिया चला गया है मुझे ना आप दोनों से एक बात की परमिशन लेनी थी मैं डांस सिखाती हूँ ना शादी और फंक्शन में दो घंटे में सिखा के वापस आ जाऊंगी तेरे पापा जी के घर में बेटिया होंगी हमारे घर की बहू एपिसोड में हम देख सकते हैं कि इस बार मेगा अपने ससुराल से अपने वापस और यहाँ पर सारे रस्म रिवाज चल रहे हैं और इसी बीच यहाँ पर सारे रस्म रिवाज के बीच काफी ड्रामा भी देखने को मिल रहा है जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही घर की बाहर की औरतों को पता चलता है कि भाई मनोज जो है वो हमारी मेगा को अकेले छोड़कर जॉर्जिया चला गया है तो वो

कोई भी जानकारी नहीं मिलती और डॉक्टर जो मनोज के साथ मिला हुआ था उसने भी मेघा को पहचानने से इनकार कर दिया मेघा तो कहीं कहीं का शक जो है वो धीरे धीरे पक्का होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखेंगे की मेघा के घर वाले उसके ससुराल भेजते हैं और यहाँ पर मेघा को उसके ससुराल जाते ही काफी शॉकिंग चीज देखने को मिलती है जहां पर वो देख रही कि भाई मनोज के पिता जो है वो नशे की हालत में पूरी तरीके से जो देखकर हमारी मेघा काफी जाती और शौक में भी आ जाती। उनका ये सवाल, वो वो सवाल, सवाल लेकर वो पहुंच जाती है अपने सास ससुर के पास लेकिन यहाँ पर उसके ससुर जी हमारे मेघा पर इतनी जोर से चिल्लाते हमारी मेघा जो है वो पूरी तरीके से डर चुकी है अब यहाँ पर मेघा को समझ नहीं आ रहा कि उसकी जिंदगी के साथ क्या खेल चल रहा है तो इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले कि भाई हमारी मेगा के सामने मनोज की सच्चाई बहुत जल्द आ जाएगी आपको क्या लगता है, है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए